अपने बारे में तो जाने देते हैं, मैं निमकी की बात करता हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निमकी मुखिया, ये मेरी एक सोच है जो मैं शेयर करना चाहता था अपनी ऑडियंस से, और वो सोच थी विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की। हम हमेशा जब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो ज़्यादातर हम ये करते हैं कि सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे पॉलिटिक्स में आप देखते होंगे रिजर्वेशन की बात हो रही है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ देने की बात हो रही है। ये शो, ये कहानी थी इस बात पे कि फैसिलिटीज़, प्रोविजन, ये सारी सरकार या समाज जो भी करता आया है या कर नहीं पाया है, वो एक अलग मुद्दा है। हम खुद, यानी एक लड़की, एक महिला खुद इस फ्रीडम, इस पावर को इम्ब्रेस कर पा रही है कि नहीं, ये कहानी इस पे थी निमकी मुखिया की। आपने देखा होगा कि निमकी मुखिया की कहानी, जहाँ पे एक लड़की लापरवाह किस्म की, जिसको कोई समझ नहीं थी कि दुनिया में क्या करना है, फिल्मों से इतनी प्रभावित थी कि वो हर चीज़ अपने लिए चाहती थी, और उसको इस बात का एहसास दिलाया गया थ्रू द स्टोरी। उस कैरेक्टर की जर्नी ये थी कि उस कहानी के जरिए उसको ये समझ में आया कि पावर होता क्या है, पावर को इम्प्रेस कैसे करते हैं, और ये उसका अपना अधिकार है जो भीख में नहीं मिलती है। आज़ादी या पावर कोई, मतलब हमारा एक पहली लाइन थी शुरू में कि आज़ादी और पावर कोई सड़क पे गिरा हुआ 5 का सिक्का नहीं है जो आपने उठा लिया, उसके लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ता है। एंड निमकी की ये जर्नी, निमकी मुखिया की ये जर्नी उसी चीज को दर्शाती है। ये कहानी हमने यहां पे खत्म कर ली, जो आप 10 अगस्त को हमारा इस सीजन का लास्ट एपिसोड जाएगा। टेलीविजन सिनेरियो में आपने बहुत कम देखा होगा कि शायद हुआ नहीं है, हम शायद, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि ये स्टार भारत और हम लोग पहली बार कर रहे हैं। सीजन, जब हम सीजन और सीजन 2 या सीजन 3 की बात करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम एक कहानी की एक लीप ले लेते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, आप सब लोग कैसे हैं? तो देखिए, हम जानते हैं कि आप हमको अच्छे से चीनते हैं, लेकिन अब आपकी निमकी में एक ट्विस्ट और रिफ्रेशमेंट आ गया है। तो बेस है आज की नायक निमकी विधायक। थैंक यू। तो देखिए भाई, हमारा पोस्ट बड़ा है, स्टाइल बड़ा है, स्वैग भी बड़ा है, और जिम्मेदारी भी बड़ा है, और अब चश्मा बदला है तो नजरिया भी बदलेंगे, और अपना सारा जिम्मेदारी पूरा भी करेंगे, बड़का बड़का काम करेंगे, ब्यूटीफुल लेडीज को, जितनी भी यहाँ पे भी हैं, सबको और ब्यूटीफुल करेंगे। और हाँ, बाकी लोग की तरह अपना पेट बड़ा नहीं करेंगे। तो हमारी जितनी भी बहन यहाँ पर बैठी हैं, हम उनसे बस एक मैसेज देना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी बड़का पड़ाव आता है हमारी जिंदगी में, तो हम भी नर्वस आ जाते हैं, लेकिन जब लाइफ में एक और चांस मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले, तो उसे फट से लपक लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए ठानो कि क्या करना है और बस आगे बढ़ते चलो, और कभी चलते चलते गिर जाओ तो फिर से उठो एकदम स्टाइल और कॉन्फिडेंस से। आप दूसरों के भरोसे रह जाओगे तो ले लोटा बोलते ही रह जाओगे भाई। थैंक यू, ताली बजा सकते हो आप लोग। थैंक यू। मैं आपको अपने नए सीजन के मिंटू सिंह से मिलवाता हूं। मिंटू सिंह, अभिषेक शर्मा, वेलकम। अब ये मिंटू सिंह कौन है? बब्बू जैसा चेहरा लग रहा है,
ये आपको देखना होगा 12 तारीख से निमकी विधायक। थैंक यू जी। हाँ लेडीज, लालू तो अभी पिछले इलेक्शन में भी नहीं थे लालू जी, तो उनको हम साइड कर देते हैं। ये एक फिक्टिशियस सिनेरियो है और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है वो हम एक फिक्टिशियस लेवल पे हम अपनी सारी बातें कहेंगे ज़रूर। एक अल्बर्ट कैमू का कहना है कि फिक्शन वो है जो हम झूठ बोल के सच बताते हैं। सो फिक्शन वो झूठ है जिसके जरिए हम सच बताते हैं। तो ये हम एक झूठी सी दुनिया है। कोई ऐसा ये नहीं कि इस ये विधानसभा में जाएंगी तो वहाँ बगल में मतलब नीतीश कुमार जी बैठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारी अपनी दुनिया है जिसको हम ये कर रहे हैं। हाँ, इस दुनिया के जरिए हम वो सारी बातें कहेंगे जो पॉलिटिकली, जो आप करप्शन कह लें या मतलब जो अच्छे काम हो रहे हैं, उन सबको हम दिखाएंगे। नहीं, डेफिनेटली आने से पहले कर ली मैंने। अच्छा, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं अगर आप हमें बता दें? ऑफ कोर्स उनका हाथ होता है, एंड यू नो एमएलएज जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका डेफिनेटली इनपुट होता है। व्हेन यू सिट इन द भवन, इनपुट्स इन द सिस्टम, व्हेन देयर आर चेंजेस जहाँ पे होती हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको अबाइड भी करना होता है, और जब न्यू लॉज आ रहे होते हैं उनके अंदर इनपुट्स भी देने होते हैं। तो हाँ, मैंने थोड़ी बहुत स्टडी कर ली है। आपको मुझे देख के लगता है कि क्या हम बोर हो गए हैं निमकी से? नहीं, हमारी एनर्जी ही ऐसी है कि हम बोर नहीं हो सकते निमकी से। और निमकी एक ऐसा किरदार है जिसने मुझे हर एक कैरेक्टर प्ले करने दिया है। मैंने एक ड्रीम था कि ऑन स्क्रीन में डांस भी करूंगी, रोमांस भी करूंगी, और एक्टिंग भी करूंगी, और गाऊंगी भी, जो मैंने इस शो में कर लिया है। तो आई थिंक इससे बड़ा और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे अब तक नहीं मिला है टेलीविजन पर। पॉलिटिक्स देखिए, पिछले सीजन से जो इस सीज़न में मेंटोरिंग करने वाला हूँ वो अलग होगा थोड़ा सा। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में, क्योंकि अगर सब कुछ ही बता देंगे तो फिर देखने में मज़ा ही नहीं रहेगा। तो कुछ तो छोड़ते हैं ना। www.zamansir.com। और अगर और बेहतर जानना है कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ 12 अगस्त को 8:30 बजे स्टार भारत देखिए, बिल्कुल पता चलेगा आपको। और बस इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ बता दिया तो फिर मजा नहीं रहेगा। एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो निमकी भी हर टाइम कुछ अलग ही करती है, क्योंकि वो इंसान ही वैसी है। वो फोर्सफुली कोई कॉमेडी करती नहीं है, बट उसका मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या होगा। मुझे लगता नहीं वो इससे प्रेरित होंगे शायद, बिकॉज आई थिंक निमकी इन एन ऑल एक खुद ही एक इंस्पिरेशन बन चुकी है काफ़ी लड़कियों के लिए मेनली। तो आई थिंक बहुत खुश हैं इस बात से कि निमकी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के बाहर आया है। और निमकी ही नहीं, बाकी जितने भी शोज के कैरेक्टर्स हैं हमारे, वहाँ से भी बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं वहाँ से। जैसे महुआ का एक कैरेक्टर है जो अपने हक के लिए लड़ती है, जो इतनी इंडिपेंडेंट डॉटर है, वो भी एक सीधी सारी लड़की है, बट वो अपने हक के लिए भी लड़ती। तो ऐसे कितने भी जितने भी कैरेक्टर्स हमारे शो के, सब कहीं ना कहीं एक सीख दे के जाते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। एंड आप इतनी मेहनत की है कि ये मैं खुद देख चुका हूं, क्योंकि ये जब शो शुरू हुआ था उससे ऑलमोस्ट मतलब 5-6 महीने पहले से हम लोग इस रोल पे वर्क कर रहे थे। एंड शी हैज वर्क्ड सो हार्ड। ये हिमाचल की हैं लेकिन बिहारी बोल रही हैं, तो ये इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी मेहनत की होगी इस रोल के लिए और इस कैरेक्टर के लिए। ओके, थैंक यू सर। सी, डिफिकल्ट तो है और पर उसको इजी बना दिया सर ने, क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने डायलॉग खुद नहीं लिखते, तो और हमारा कैरेक्टर हम खुद नहीं लिखते। सर ने जैसा मुझसे कहा करने के लिए मैंने वैसा पोर्ट्रे किया। और हाँ, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में अपना कैरेक्टर होल्ड करना, बिकॉज ऑडियंस कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो बहुत कुछ आपको बोलते हैं और जिस तरह बोलते हैं बहुत बुरा भी लगता है। पर फिर एंड ऑफ द डे ये रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, ठीक है, अगर मैं ऐसा
एक शो में एक ऐसा पार्ट प्ले कर रहा हूँ जो नेगेटिव हो करना पड़ेगा, किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप एक सोसाइटी में आप दिखा रहे हैं कि कुछ नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव ठीक करता है, तो नेगेटिव किसी को तो प्ले करना पड़ेगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर बब्बू सिंह को कोई गाली देता तो आई फील लाइक हाँ मैं अपना पार्ट अच्छा प्ले कर रहा हूँ और मैं उसको होल्ड करके रखा हुआ है मैंने। तो क्योंकि अगर आपको कोई मैसेज देना है तो एक नेगेटिव चीज़ तो दिखानी पड़ेगी, तभी एक मैसेज जाएगा। तो आई थिंक हाँ मैंने जितना मेरे में था, जितना मेरी काबिलियत मुझे को अलाउ करती थी, मैंने उतना किया एंड आई थिंक आई डिड। यू डिड अ बहुत अच्छा, सही जगह माइक था आपने, कोई बात नहीं। तो मैं हूँ शिवानी चक्रवर्ती और मैं हमारे अभिषेक जी और हमारे देवर जी उनकी भाभी हूँ इस शो में। और निमकी मुखिया निमकी विधायक में भी रिश्ता तो नहीं बदला है जैसे सर ने कहा है, हूँ तो मैं भाभी, बट हाँ वही है कि थोड़ा सा जो जर्नी रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जो मेरा कैरेक्टर है, जो चुलबुलनेस है, जो भी सर ने उसमें एक तड़का दिया है, वो कम नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं वो बहुत इन्जॉय करती हूँ। और सजना संवरना और जैसे आप मेरा अटायर देख रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन हाँ वो वैसी ही है। तो रेखा जो है गजवा से है तो उसका एक टैग हो गया गजवा वाली, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आजकल लोग ऐसे गजवा वाली के नाम से ही जानते हैं। कई बार मैं बाहर जाती हूँ तो और ये गजवा वाली भाभी हैं ही, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम तो कहते हैं हाँ हमको भाभी ही बोली कोई बात नहीं। तो एक अच्छा लगता है फिर आप जिस स्कीन में हो वो आप पोर्ट्रे कर रहे हो, लोगों को इतने मतलब लोगों को लगने लग गया है कि हाँ ये वैसी ही होंगी शायद, बट फिर बताना पड़ता है नहीं मैं रियल लाइफ में ऐसी ग्रीडी नहीं हूँ, बट हाँ मैं कुछ चीज़ें मज़ेदार करती रहती हूँ लाइफ में, तो वो है मुझ में और विधायक में भी वैसे ही कुछ होगा। ओके, मेरा नाम श्रेया झा है और मैं स्वीटी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, स्वीटी दीदी। मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ कि किसी और शो में अगर होता तो आप बोल देती है बहुत करेक्ट लड़की है और सच का साथ देती है, निमकी को सपोर्ट करती है, बट इस शो में इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हवेली में जहाँ मैं पली बड़ी हूँ वहाँ देखा जाए तो सब करप्ट हैं, एंड फिर भी आई वॉज कंडीशनड टू बिलीव कि वही सही है। जब शादी करके निमकी आई तो आई वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग माई मदर एंड नॉट एक्सेप्टिंग हर, बट एकदम से अंदर ही अंदर मेरी एक जर्नी शुरू हुई निमकी से इंस्पायर होके, कि मैंने गलत चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया और शायद स्वीटी को खुद नहीं पता था, जो आवाज़ उसकी हमेशा दबी रहती थी, जो पूरे पूरे सीन्स में एक वर्ड भी नहीं बोलती थी, वो जस्ट रिसेंटली उसने अपने हस्बैंड की बेल्ट से पिटाई की है बिकॉज शी वॉज फेसिंग मैरिटल रेप। तो वो एक पूरी जो जर्नी है, इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कैरेक्टर्स आई हैव और एनी बडी कुड आस्क फॉर, बट बींग पॉजिटिव बिकॉज समटाइम्स दैट गेट्स ब्रांडेड एज बींग बोरिंग, दिस हैज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस थैंक्स टू जमा सर। सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और बहुत ही खुश हैं, एंड ये एक्सपेक्टेड था नहीं, बट इट्स अ वेरी वार्म रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा लग रहा है सबका और सबके साथ, और व्यूअरशिप के लिए थैंक यू। एंड अगले सीजन में मैं सब कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ 12 अगस्त से खुद देखिए 8:30 बजे। बहुत अच्छा रहा है, बहुत फ्रूटफुल रहा है, बहुत कुछ सीखने मिला है, एंड ये डायलॉग सभी बोलते हैं वैसे हर इंटरव्यू में कि बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन मैंने असली में एक नई लैंग्वेज भी सीख ली है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और अब बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है, एंड आई थिंक अभी तक का बेस्ट कास्ट जो था, मैंने जिस तरह जितना काम किया है वो अभी तक का बेस्ट कास्ट मिला है और एक बेस्ट बॉस मिला है, तो आई थिंक नथिंग मोर देन दैट। आई थिंक निमकी अपने बिना आई थिंक विधायक बनने से पहले ही एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी काफ़ी लड़कियों के लिए, काफ़ी लड़कों के लिए तो बोलूँगी नहीं, डेफिनेटली एक वुमेन एम्पावरमेंट शो है, बट कुछ ऐसी हमने बहुत सारे एपिसोड सिखाए हैं जहाँ पे एक मैसेज पास आउट किया है कि किस तरह चीज़ें बदल सकती हैं। तो आई एम श्योर नॉट ओनली निमकी, स्वीटी का जो कैरेक्टर है वो भी एक यू नो एक ऐसे फैमिली में जैसे उन्होंने कहा वहाँ पली बड़ी है जो सभी करप्ट है, लेकिन वो आज एक ऑल्सो एज एन इंस्पिरेशन उभर के बाहर आई हैं। देन देर इज़ महुआज कैरेक्टर, देर इज़ चाची कैरेक्टर जो एक नॉर्म से हट के खुद की डिवोर्स के लिए भी बात की है, तो आई थिंक ये सब छोटी छोटी एक इंस्पिरेशन है जो सब औरतें भी सीख सकती हैं हर एक कैरेक्टर से। आप बहुत एक्साइटेड हैं और नर्वस भी हैं, ना एक तरह से फिर से एक नई शुरुआत जैसे फील होती है, आपको उतना ही लगता है ऑडियंस रिस्पॉन्स उतना ही अच्छा होना चाहिए और होगा, ज़रूर होगा क्योंकि कॉन्टेंट स्ट्रॉन्ग है हमारा। खुशी भी है और थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग है कि लोगों को कैसा, वही एग्जैक्टली लोगों को कैसा लगने वाला है, बिकॉज एक होता है ना एक चीज़ ख़त्म होती है और दूसरी चीज़ आती है, तो कभी कभी लोग उसको एक्सेप्ट करने को भी थोड़ा हिचकिचाते हैं कि ये कैसे होने वाला है, क्या है, तो वही सवाल हमारे मन में भी है, बट
सेम टाइम पे हम पॉजिटिव भी बहुत है, क्योंकि जैसे कि हम सर की तारीफ ऐसे ही नहीं कर रहे थे, सच में वो बहुत उम्दा राइटर है, तो पूरा विश्वास है कि ये भी रॉक करेगा। वो एक कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े ये होते हैं, जिधर जिधर बम उधर हम, एक होता है, एक सुना है मैंने बचपन से कि जिधर लगेगा ना कि हाँ यार यहाँ मेरा फ़ायदा है, उधर हो जाती हूँ। तो उस टाइप का थोड़ा सा ये किरदार है। ऑफकोर्स ये होना एक्चुअली खुद में होना तो थोड़ा अजीब है, हम ऐसे लोगों से मिलते थे, हम बोलते रहे यार इसको जब देखो तो फ़ायदा ही अच्छा लगता है, बट जहाँ पे ये रहती है, जिस घर में ये है एज इन बड़ी बहू, वहाँ पे पता है आपको, आपने देखा होगा हमारे घर में जो दूसरे किरदार है, सास ससुर वगैरह, ये और भी ख़तरनाक है। तो अगर वो ऐसे रहेगी नहीं ना, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी उस घर में। तो कहीं कहीं जैसे ये सॉफ्ट नेचर की हैं, ये सबको प्यार से बात करती है, मैं ऐसी हूँ कि मैं बात सॉफ्टली करूँगी बट उससे थोड़ा ज़्यादा करूँगी जहाँ मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम कम है, लाइक इन लोग तो फिर भी लड़के जो होते हैं वो माँ बाप है उनके लिए, ये बहन है घर की, लड़का तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा लाडला है बब्बू, मेरा कौन है, मैं बहू हूँ, वो भी ऐसी वाली बहू, तो मुझे तो सब मतलब एक हाँ नहीं मिलता एग्जैक्टली, फिर तो मेरे पति को भी नहीं मिलता। तो वो वाला जो एक डर है ना, वो डर भी कभी कभी ऐसा आपके नेचर को बना देता है, सो थोड़ा बहुत तो है। जहाँ बोलते हैं ना सॉफ्ट नेचर की है, नेचर ऑलरेडी बहुत बहुत स्ट्रांग हो चुका है, अगर सॉफ्ट नेचर की होती तो इतनी हिम्मत नहीं करती। खुद मेरा भाई मुझे गोली नहीं मार देता जब मेरी शादी हो रही थी अभिमन्यु से, हाँ। तो सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट टेम्परमेंट की हूँ, बहुत काइंड हार्टेड हूँ, लेकिन अपनी इनर वॉइस पहचान गई हूँ, मतलब आवाज़ उठाना सीख गई हूँ सही के लिए। तो वहाँ नेचर सिर्फ सॉफ्ट नहीं रहा है, वो बहुत करेक्ट लड़की है और हर चीज़ के लिए, सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाना जानती है, सीख गई है निमकी से, और अब तो उसको लाइक देयर इज नो स्टॉपिंग हर, वो इतना उस चीज में आगे निकल चुकी है। हम जो चिढ़ाते हैं कैरेक्टर को बिल्कुल, हमने देखा है कि क्रश नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ क्या है, जिसकी खुद की मैरिड लाइफ इतनी ख़राब है, अगर उसको कोई ऐसा आदमी उसकी लाइफ में आता है जो काइंड है, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ हर हस्बैंड है, जो मतलब जो औरतों को एक ऑब्जेक्ट जैसे यूज़ करता है, तो वहाँ एक सॉफ्टनेस आ जाती है उस इंसान के लिए। आप उसको क्रश बोल के ना क्रश कर दिया आपने उस सिचुएशन को, मतलब इतनी खुशी हो रही है कि हम लोग बता नहीं सकते, मतलब इतनी खुशी है कि बयां नहीं कर सकते, आप सोचो ना। मतलब इससे ज़्यादा खुशी कि आजकल के ज़माने में, जिस ज़माने में शोज़ कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, और हम लोग एक ऐसे शो से एसोसिएटेड हैं जहाँ पे पिछले 2 साल से मतलब लगातार हिट, वी पीपल आर रूलिंग TRP चार्ट्स है। सो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि वी पीपल आर कमिंग अप विद सेकंड सीज़न ऑफ निमकी मुखिया, तो वी आर कमिंग अप विद अ बैंग। सो जिस तरीके से आप लोगों ने हमें सपोर्ट अब तक किया है, ऑडियंस ने हमें, आप लोगों ने हमें से सपोर्ट किया है, हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसे ही सपोर्ट करो। और खुशी का लेवल तो आप पूछो मत यार, वो आसमान फाड़ चुका है, आसमान फाड़ चुका है, बस ना लिख के ना बोल के वैसे बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी, तो वो जाहिर सी बात है। मेरे से जमीन में लिखवा लो आप, मैं लिख दूंगा आज, इतनी खुशी है। वो कहो कि मुंबई में कुछ नहीं है, नहीं तो लिख देता 2-4 कट्टा आपको। ये सही बोला आपने, है ही नहीं। मेरी और निमकी की फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी ये तो मैं बोल सकता हूँ, और महुआ और मेरी लव स्टोरी जो है ये आगे बढ़ेगी कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये बेहतर क्वेश्चन अगर आप जमा सर से पूछो तो वो बताएंगे, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, वो जो बोलेंगे हम वैसे जाएंगे, जैसे ही जैसा जो स्क्रिप्ट होगा, जैसे डायलॉग्स आएंगे, हम बस वैसा परफॉर्म करेंगे, एंड आप बस देखते रहिए सेकंड सीजन में क्या होने वाला है हमारा, क्या होता है। डिफिकल्टी नहीं रहा, अच्छा आप लोगों के बीच से ही किसी ने क्वेश्चन किया था ना कि एक एक्टर क्या होता है ना, कि एक क्रिएटिव आदमी एक चीज़ करते करते ना बोर हो जाता है, फिर वो दूसरी चीज़ करने की कोशिश करता है, करना चाहता है। तो हम लोग बोर तो नहीं हुए थे, पर हम वो करते करते अब हमें पता चला कि कुछ और नया करने को, वी बिकम एक्साइटेड, नो समझ रहे हो आप, तो हम और भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए, हम खुश हैं, और उस चैलेंजेस को है, इट्स जस्ट हमारी कैरेक्टर में कुछ और शेड आएगा, कुछ ट्विस्ट आएंगे, हम चैलेंजेस फेस करना ही पड़ेगा, जितना वी आर नर्वस करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा, ऐसा करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, दर्शकों को भी मजा नहीं आएगा, हमारे खुद के लिए भी एज एक्टर्स हमें भी जितना डिफरेंट परफॉर्म करने को मिलेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना मजा आएगा, कुछ चैलेंजेस होंगे और लोगों को भी कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। देखिए निमकी मुखिया का सफ़र बहुत बेहतरीन रहा, और 2 साल में इतना प्यार मिला लोगों से, हम लोग लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहे, बिल्कुल कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ बीच में थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन था कि TRP गिर रहा है तो शो बंद हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और लोगों ने इतना प्यार दिया और हमको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हम सेकेंड सीज़न ले आए,
और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जितना मज़ा आपको निमकी विधायक मुखिया में आया उतने उससे डबल ट्रिपल मज़ा निमकी विधायक में आने वाला है। हाँ बिल्कुल होगी, आप देखिएगा। और उसमें सब कुछ वो बताएगी कि उसने जो जो सोचा था वो पूरा एग्जीक्यूट किया और एंड में जो कल्मिनेट हुआ तो वो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि क्या होता है एंड में। पर हाँ जब वो एंड हो जाएगा उसके बाद वो पूरा अपना क्लाइमेक्स में पूरा सब बताएगी कि उसने ये सब सोचा था करने का और उसने पूरा एग्जीक्यूट किया। बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहूँगा कि आगे चलता रहे और हम निमकी चीफ मिनिस्टर, निमकी PM ऐसा कुछ लेकर आ जाएँ 2 साल बाद। नो जोक्स अपार्ट, बट हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड आई रियली वॉन्ट कि चलता रहे। और जमा हबीब को मैं थैंक्स बोलूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छा शो लिखा है और ऐसा वुमेन सेंट्रिक शो में मेरे कैरेक्टर को इतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया कि फीका नहीं पड़ा वो, क्योंकि एक निमकी के नाम पे शो है और एक वुमेन सेंट्रिक शो है, उसमें एक लड़के को पूरा अपने उस पर खड़े रहना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, तो वो सर ने बहुत अच्छे से लिखा एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। बहुत अच्छा फील होता है देखिए, और मैं एक ऐसा पार्ट प्ले कर रहा हूँ जो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता, पर वो एंड ऑफ द डे किसी को करना ही है, कई किसी एक को तो करना ही है ना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नहीं दिखाओगे तो कैसे पता चलेगा वुमेन की पावर कहाँ कहाँ से दिखाओगे आप? कोई एक चीज़ ऐसी दिखानी पड़ेगी जिसमें वो पावर अपनी लगाती, अप्लाई करती है और डिस्ट्रॉय करती है उसको, वही दिखानी कोशिश। और मैं वो चीज़ बना जिसके ऊपर उसने वो पावर, और आई एम रियली हैप्पी कि मैंने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया। लोगों ने मेरे को बहुत गालियाँ दी, थैंक यू, क्योंकि गालियाँ खाने पर मुझे समझ में आया कि अरे हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, शायद लोगों को पसंद आ रहा हूँ तभी गाली दे रहे हैं। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई रियली वॉन्ट टू डू अ नेगेटिव शेड अगैन।